नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही पैशनेट हूं। दोस्तों, लंबे अरसे से दुनिया भर की केस स्टडीज इस बात का संकेत देती आ रही थी कि आने वाले समय में बिजनेस की नैया ऑनलाइन तरीकों से ही पार की जा सकेगी। और आप देखिए, कोरोना के कंधे पर सवार होकर आखिर वो समय आ ही गया हमारे सामने। पर यकीन मानिए दोस्तों, ये कोरोना वायरस तो सिर्फ एक बहाना है। आप ये ना सोचें कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ही ऑनलाइन बिजनेसेस को अभी औरों से ज़्यादा काम मिल रहा है, और जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा फिर से वही ऑफलाइन बिजनेस आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आप तैयार रहिए एक नई दुनिया में जीने के लिए, नए नॉर्मल के साथ जीने के लिए। ये सर्वाइवल की जंग है और इस जंग में जीत उसी की होगी जो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए खुद को नए रूप में ढाल लेगा। और आज बिजनेस में बने रहने के लिए आपको भी अपने आप को, अपने बिजनेस को नए रूप में ढालना ही होगा, वरना आप और आपका बिजनेस बीते हुए वक्त की गुजरी हुई कहानी बन के रह जाएंगे। दोस्तों, बीते जमाने में कई बड़े बड़े बिजनेस आज के समय में याद भी नहीं किए जाते। याद है आपको वो कोडक का कैमरा जिसने लोगों को फोटो खींचना सिखाया था? याद है आपको वो मोबाइल का नोकिया ब्रांड जिसने सबको मोबाइल से रूबरू कराया था? क्या आपको वो निर्मा याद है जिसने वॉशिंग पाउडर की दुनिया को हिलाकर रख दिया था? दोस्तों, आज ये सारे ब्रांड गुम हो चुके हैं या बिजनेस की दौड़ में काफ़ी पीछे रह गए हैं, क्योंकि ये वक्त के हिसाब से खुद को अपडेट नहीं कर पाए। और दोस्तों, जिन्होंने सही समय पर खुद को बदला, अपने बिजनेस को बदला, उसके हिसाब से अपडेट किया, वो बिजनेस ना सिर्फ आज जमे हुए हैं बल्कि नए नए कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये बात आपको बुरी लगे लेकिन सुननी ही होगी कि यदि आज आपने अपने बिजनेस को वक्त के हिसाब से नहीं बदला तो वक्त आपको बीता हुआ कल बना देगा। और आज के वक्त की ज़रूरत है ऑनलाइन बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ बिजनेस जैसे शब्द इस सर्वाइवल की जंग में आपको सर्वाइव नहीं करवा सकते, क्योंकि अब दौर बिजनेस का नहीं, ऑनलाइन बिजनेस का है। दुनिया के दो बड़े दिग्गज फेसबुक और रिलायंस ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब आपके पड़ोस की किराने की वही दुकान सर्वाइव करेगी जो ऑनलाइन हो जाएगी, और बाकी धीरे धीरे पिछड़ती जाएंगी, क्योंकि इन दो बड़ी कंपनियों ने हाथ मिला लिया है इस विशाल अनऑर्गेनाइज बिजनेस सेक्टर को ऑनलाइन लाकर ऑर्गेनाइज करने का। और सिर्फ चंद ही महीनों में आप व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए परचून की दुकान से घर बैठे सामान खरीद पाएंगे। आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन बनाएं, वरना बीते वक्त की बात बन जाएंगे। पर दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक बिजनेस को ऑनलाइन लाया जा सकता है? क्या ऑनलाइन बिजनेस बनाना आसान है? एक ऑनलाइन बिजनेस को बनाने में इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे होती है? ऑनलाइन बिजनेस को बनाने में आपके पास किस प्रकार के स्किल सेट होने चाहिए? ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप करने के लिए किस प्रकार की हेल्प मार्केट में मौजूद है? इत्यादि इत्यादि सवाल आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे। तसल्ली रखिए, आपको सब सवालों के जवाब मिलेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस करने का मतलब एक वेबसाइट प्रमोट कर देना भर ही नहीं है, ये इससे भी कई ज़्यादा विस्तृत है। ऑनलाइन बिजनेस को चलाने के लिए हमें ऑनलाइन वर्ल्ड को समग्र रूप से समझना होगा, और इस समग्र रूप को हम वेब प्रेजेंस भी कह सकते हैं। वेब प्रेजेंस को बनाने के लिए कुल मिलाकर 6 तरीके के स्किल सेट चाहिए होते हैं। पहला है वेब डेवलपमेंट, दूसरा है वेब डिज़ाइनिंग, तीसरा है कंटेंट राइटिंग, चौथा है वीडियो प्रोडक्शन, पांचवा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और छठा है सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सपर्टीज इन डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, ये सभी टूल और इनके एक्सपर्ट टाइप के प्रोफेशनल मार्केट में बहुत हैं, फिर भी आज तक 90% बिजनेस ऑनलाइन सफल होने में नाकामयाब हैं। इसके मुख्यतः 5 कारण हैं। पहला है, चूंकि ये सब क्रिएटिव काम है, इसके लिए किसी भी बिजनेसमैन अपने दिमाग में क्रिएटिविटी प्लान तो कर सकता है, पर इसे किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को समझा पाना मुश्किल है, और इसलिए बिजनेसमैन समझता कुछ और है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को समझाता कुछ और है, और आउटपुट निकल कर आता कुछ और है।
दोस्तों दूसरा है, ये सभी सर्विसेज अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से दी जाती हैं, और इसलिए उन सभी को एक साथ अपने डिजायर आउटपुट के लिए इस तरह ट्यून कर पाना कि वो सब आपस में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, ताकि आपका काम आसान हो जाए, बहुत मुश्किल है। दोस्तों तीसरा है, बिजनेस ओनर की सोच का यूनिक और क्रिएटिव ना होना। ज़्यादातर बिजनेस ओनर केवल किसी अच्छे चल रहे बिजनेस मॉडल की कॉपी करना चाहते हैं, और यहीं सब बिजनेस के अखाड़े में मार खा जाते हैं, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में सक्सेस कॉपी पेस्ट करके नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और यूनिकनेस के रास्तों पर चलकर मिलती है। दोस्तों चौथी वजह है, ओनर का अपने आप को इस क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व ना करके सब कुछ वेंडर के भरोसे छोड़ देना। दोस्तों कठपुतलियों के खेल में कमाल जरूर कठपुतलियां करती हैं, पर उनकी डोर हमेशा कठपुतली मास्टर के हाथ में होती है। उसे ही पता होता है कब किस डोर को कितना खींचना है और कितना ढील देना है। इसलिए दोस्तों टेक्निकल एक्सपर्ट तो आपके लिए एक जरिया मात्र हैं, उनसे कौन सा काम किस तरह से कब कैसे कराना है ये सब आपके अनुसार ही होगा, तभी आपको डिजायर आउटपुट मिलेगा, वरना वेंडर के भरोसे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला काम हासिल कर पाएंगे इसकी गुंजाइश कम ही है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बिजनेस ओनर के पास ऑनलाइन मार्केट के डेवलपमेंट को एग्जीक्यूट करने का ज्ञान ना होना, क्योंकि इसके फायदे और नुकसान के बारे में तो बहुत बात की गई, लेकिन इसको एग्जीक्यूट और प्लान कैसे करना है इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, इसके बारे में बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए गए। समस्याओं और सवालों को जान लेने के बाद आपको इनके समाधान और उत्तर के लिए थोड़ा और प्रयास करना होगा, और वो ये कि मैंने न्यूसोर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें। विस्तृत जानकारी के लिए आप चाहें तो वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, और मैं ये गारंटी देता हूँ आपको सभी सवालों के जवाब और सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भी दे दिया है, आप हमारे एक्सपर्ट से फ्री कंसल्ट कर सकते हैं। आपके स्टार्टअप की सक्सेसफुल होने की कामना लिए अब अपने इस दोस्त हेमंत गुप्ता को इजाज़त दीजिए। थैंक यू दोस्तों।